ये 28 अगस्त का जो लेटर है यही सब एडहॉक टीचर्स की हत्या का जो प्रमाण है। आप समझ सकते हैं कि हर एक एडहॉक टीचर की क्या आज मानसिक स्थिति होगी जो आज ऐसे सड़कों पर निकल के आया है। अदरवाइज इस एरिया में आपको दिखता नहीं है, कोई भी पंछी तक नहीं फटक सकता इस एरिया में, जहाँ पे आज दरवाजे तक तोड़ के टीचर अंदर आ चुके हैं। हमें आज सड़कों पे इसलिए उतरना पड़ा है क्योंकि अचानक से दिल्ली यूनिवर्सिटी ने हमें एक 28 अगस्त का लेटर इशू कर दिया है और जिसमें ये लिखा गया है कि जितने भी वर्किंग एडहॉक्स हैं उन सबको गेस्ट में कन्वर्ट कर दिया जाए। आज जो हो रहा है ये दिल्ली विश्वविद्यालय में एडहॉक टीचर्स जो थे वो पूरे पेमेंट पे मिलता था उनको, आज गेस्ट फैकल्टी होंगे। तो क्या है कि सरकार शायद ये भी कोशिश कर रहे हैं दिखाने के लिए कि कुछ पैसा दे के वो दिखा देंगे कि भाई नौकरी मिल गया, बट उस नौकरी का उस 25,000 30,000 40,000 नौकरी का कोई वैल्यू नहीं है। एडहॉक टीचर का सैलरी जितना परमानेंट को स्टार्टिंग में जिसकी सैलरी होती है जॉइनिंग के टाइम पे उतनी सैलरी एडहॉक को मिलती है। गेस्ट में होता है पर आवर लेक्चर का, मतलब आप जितने घंटे पढ़ाएंगे उस हिसाब से मिलेगा। तो 1500 रुपये एक घंटे का, जैसे आप एक लेक्चर का आपका रहता है तो उस हिसाब से ही होता है। तो अभी कितने लोग जो 10 साल 15 साल से उसी एडहॉक सिस्टम में चल रहे हैं उनकी पूरी आजीविका चल रही है उसी हिसाब से। अब आप अचानक से उनको जितनी सैलरी मिली उससे आप बोलोगे कि नहीं आप अगले महीने से आपको 40,000 रुपये 50,000 रुपये मिलेगा जितना आप लेक्चर पाओगे, तो उस हिसाब से कैसे उनकी दिनचर्या चलेगी? जो 10 साल से 15 साल से इनके बच्चे हैं सब कुछ है वो कैसे चलाएंगे वो? तो ये किसी की नौकरी लगी हुई है, किसी की EMI से स्कूलों में बच्चे सबके पढ़ रहे हैं, फीस देनी होती है, तो एकदम से, और कई हस्बैंड वाइफ दोनों एडहॉक टीचर्स हैं भाई, हमारे कॉलेज में भी ऐसे टीचर्स हैं, तो उनकी आप देखिए रातों रात आपकी नौकरी चली जाए, सड़क पर आ जाएँ तो टीचर का क्या स्टेटस होगा? और वो टीचर आज का नहीं लगा हुआ यूनिवर्सिटी से, वो 20-20 साल उसने अपनी ज़िंदगी के दिए हैं, उसने पूरी सेवा की है यूनिवर्सिटी की, और आज आप एकदम से ये रूल निकाल दें कि नहीं, तो ये एक डिक्टेटरशिप वाली बात है। व्हाट इज़ VC डूइंग? VC इज़ एन एजेंट ऑफ मोटा भाई एंड छोटा भाई, मोदी जी एंड अमित शाह। ही इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग, नो परमानेंट प्रमोशन। जब से BJP आई है अभी तक परमानेंट प्रमोशन नहीं आया, 4 से 5 बार हम लोग फॉर्म भर चुके हैं, कोई परमानेंट प्रमोशन नहीं, परमानेंट नहीं कर रहे हैं टीचर्स को, एंड नथिंग इज गोइंग ऑन दिस यूनिवर्सिटी। और VC से जब भी हम गुहार लगाते हैं किसी भी चीज़ की, डेफ ईयर प्रेजेंट करता है, हर बार कोई ना कोई नया लेटर देके हमारा एडहॉक का बहुत मजाक उड़ाया जाता है। हमें बेसिक फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइडेड नहीं होती। इवन अगर फीमेल टीचर्स की हम बात करें तो बेसिक राइट जो है हमारा, हमें मैटरनिटी लीव तक प्रोवाइडेड नहीं है एडहॉक टीचर्स को। यहाँ पे ऐसे भी टीचर्स हैं जिन्होंने मतलब एक हफ्ता पहले बर्थ करके आते हैं एंड एक हफ्ते बाद वो ज्वाइन करते हैं कॉलेज में। आप सोचिए कैसी सिचुएशन है। आप विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं, जब गुरु ही नहीं रहेगा तो विश्व गुरु कैसे बनेगा? 20-20 साल से लोग यहाँ पे एडहॉक पे काम कर रहे हैं, आधी उम्र उनकी निकल चुकी है। यहाँ पे परमानेंट की लोग सोच के आते हैं कि आज नहीं तो कल परमानेंट अपॉइंटमेंट्स होंगे तो हम परमानेंट हो जाएंगे, बट जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है DU एडमिनिस्ट्रेशन जो है, VC जो है, वो परमानेंट की बजाय और एडहॉक को गिराना चाहते हैं। ये सारा सिस्टम जो है ये हिंदुत्व और ये कॉर्पोरेटाइज प्रोजेक्ट है, सारे सिस्टम को प्राइवेटाइज करने का प्रोजेक्ट है। हायर एजुकेशन को कैसे प्राइवेटाइज किया जाए, क्योंकि देखिए अगर हायर एजुकेशन प्राइवेटाइज होता है वहाँ पर रिजर्वेशन नहीं है, तो ये दलित जो बहुजन समाज है उस पर एक बहुत बड़ी लात है। 13-point रोस्टर से पहली हत्या की गई थी, जो कि अंबानी अडानी और मोदी जी अमित शाह का रोड मैप में जो प्लान है उनके पास फ्रेम ऑफ वर्क प्लान ए था। उनको लगा अगर प्लान ए सक्सेसफुल हो गया तो प्लान बी की ज़रूरत नहीं है। जब 200-point रोस्टर आया, जो 200-point रोस्टर लड़ के लिया गया सरकार से, मंशा नहीं थी देने की, दलित और बहुजनों का हक मारा जा रहा था। अभी जब प्लान ए उनका फेल हो गया, प्लान बी उन्होंने ला दिया कि चलो कॉन्ट्रैक्चुअल नहीं, गेस्ट लेकर आते हैं। जब उनको पता चला कि कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स रख लो, लेकिन कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स को आपको सैलरी जो है परमानेंट टीचर के बराबर देनी पड़ेगी, तो सरकार को लगा अच्छा ऐसा नहीं, चलो ठीक है, ये VC जो बहुत एजेंट हैं BJP के, उन्होंने दिमाग लगाया नहीं, अब वो नहीं, अब गेस्ट लाते हैं। गेस्ट को क्या 1500 रुपया दिहाड़ी देंगे आप? 1500 रुपया दिन का, क्या वो दिहाड़ीदार है, मजदूर है? विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं, गुरु नहीं रहेगा तो विश्व गुरु कैसे बनेगा? रही बात रिजर्वेशन की, तो रिजर्वेशन को बिल्कुल खत्म करना चाहती है सरकार, पूरा प्राइवेटाइज कर देगी तो रिजर्वेशन रहेगा ही नहीं दलित बहुजनों के बच्चे, क्योंकि उनकी मंशा ही नहीं है। ये मनुवादी सरकार हिंदुत्व का कॉन्सेप्ट को आगे लेकर आ रही है, सिर्फ सारा ये प्रोजेक्ट है हिंदुत्व का, ये वहाँ से जो RSS वाले लाते हैं ना, ये वहाँ की उपजाइश है, ये वहाँ का प्रोजेक्ट है। इस सिस्टम में कैसे लेकर आना, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन जो दलित बहुजन समाज की फर्स्ट जनरेशन जो है वो आगे आई है अभी एकेडमिक्स में, समझ रहे हैं ना आप, आगे आई है वो एकेडमिक्स में, वो पढ़ा रही है, तो उनको पता है कि अगर ये परमानेंट हो गए, ये तो बहुत जागरूक हो रहे हैं लोग, अगर ये परमानेंट हो गए, टीचर बन के सिस्टम में बैठ गए तो ये सवाल करेंगे। वो मानसिक गुलामी जो है ना वो करवाना चाहते हैं, जो उनके दिल में और जहन में बहुत अच्छे से है, वो उन लोगों को वहीं रखना चाहते हैं, गुलाम बना के रखना चाहते हैं, उनको प्रोजेक्ट क्लियर है, लेकिन ऐसा हम होने नहीं देंगे। कितनी बार गिराओगे,
गिराते रहोगे लेकिन हमारा हौसला नहीं गिराओगे। हम इस सरकार से बहुत अच्छे से लड़ सकते हैं और हम इतने शक्तिशाली हम आज बन चुके हैं, इतने सक्षम हैं क्योंकि पढ़ लिख लिए हैं। अरे कितनी बार गिराओगे, गिराते रहिए, वार करते रहिए, वी विल फाइट एंड वी विल विन। Thank you.